आप इस वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को पूरा देखो और एंड तक देखो, जिसमें मैं आपको ये सब कुछ टाइम मैनेजमेंट प्लस दो बुक्स के पॉल साइंस और इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। यानी आपको इसी वीडियो में मैं आपको राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, इसलिए आप इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें और हमारी अगली वीडियो का भी इंतजार करें जिसमें मैं आपको जियोग्राफी और कौन से रह गया हिस्ट्री दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी क्लियर कर दूंगा। यानी अगर आप हमारी इस वीडियो को देखते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मास्टरमाइंड पावर पर। आज मैं आप सबके लिए लाया हूं क्लास 10th SST की वीडियो, जिस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके पेपर में किस तरीके से फॉर्मेट बनने वाला है, कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और किस बुक में से कितने नंबर के आने वाले हैं, और जी हाँ, जो आप हर बार छोड़ के आते हो मैथ, वो कितने नंबर का आने वाला है और किस बुक में से आने वाला है, जिससे कि आपका पेपर बिल्कुल भी छूटे ना। और आपको सिखाऊंगा कि आपको कैसे टाइम मैनेज करना है और किस तरीके से जल्दी से जल्दी पेपर को सॉल्व करना है, ताकि आप जल्द से जल्द पेपर को सॉल्व करके बड़ी आसानी से ज्यादा नंबर गेन कर सको। तो देखो, आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, जिसका आपका पेपर कोड है 087। इसमें बच्चों देखो, जो हमारा टोटल पेपर है वो 37 क्वेश्चन होने वाले हैं और वो कितने नंबर का होगा, 80 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 80। आप सबको पता होगा आपकी 10th क्लास में SST में चार बुक्स है, हिस्ट्री जिसे इतिहास कहते हैं हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए, ये जियोग्राफी जिसे भूगोल कहते हैं, पॉल साइंस जिसे राजनीति विज्ञान कहते हैं और इको जिसे अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे ही आप बेटा 10th पास करके 11th में आओगे और यदि आप आर्ट्स लेते हो तो आपको ये चारों बुक्स अलग अलग हो जाएंगे। यानी आपका SST चार पार्ट्स में इधर डिवाइड होते हुए दिख रहा है ना। अब चारों बुक्स में से टोटल पेपर कितने नंबर के बच्चे, 80 मार्क्स का। टोटल कितने मार्क्स का है? 80। बुक्स कितनी है? चार। डिवाइड बाय 80 यानी 20 मार्क्स ईच बुक्स, है ना। यानी 20 नंबर का हमें हर एक बुक में से देखने को मिलने वाला है। 20 नंबर का हिस्ट्री में से, 20 नंबर का जियोग्राफी में से, 20 नंबर का पॉल साइंस में से और 20 नंबर का इको में से। तो आप इस वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को पूरा देखो और एंड तक देखो, जिसमें मैं आपको ये सब कुछ टाइम मैनेजमेंट प्लस दो बुक्स के पॉल साइंस और इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा। यानी आपको इसी वीडियो में मैं आपको राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, इसलिए आप इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें और हमारी अगली वीडियो का भी इंतजार करें जिसमें मैं आपको जियोग्राफी और कौन से रह गया हिस्ट्री दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी क्लियर कर दूंगा। यानी अगर आप हमारी इस वीडियो को देखते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो पूरे तरीके से वीडियो से बने रहे। अब देखिए, क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि आपके पेपर में 37 आने वाले हैं। अब 37 क्वेश्चंस कैसे डिवाइड होंगे? तो देखो, आपका जो पेपर होगा वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 पार्ट में डिवाइड होने वाला है। कितने? 6। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई और सेक्शन एफ। यानी हमें यहाँ पे 6 पार्ट दिखने वाले हैं जिसमें टोटल 37 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें से हम देखेंगे कि पार्ट वन में कितने क्वेश्चन हैं बच्चे, 20 क्वेश्चन, यानी 20 के 20 MCQs, यानी इनका आंसर आपको ऑप्शनल मिल जाएगा। यानी हर एक के MCQ का मतलब क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया बच्चे, कि आपको चार ऑप्शन मिलेंगे A, B, C, D, जो आपको ठीक लगे उस पर आपको टिक करना है, तो ये आसानी से बहुत जल्दी आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट चीज है बेटा, दो नंबर के क्वेश्चंस, दो नंबर के क्वेश्चंस चार आने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 से 24 होंगे। इसे कहते हैं बेटा VCA, यानी वेरी शॉर्ट आंसर, यानी इनके आंसर्स काफी शॉर्ट में रहने वाले हैं, यानी कुछ लॉन्ग नहीं रहेगा इसमें, बहुत कम लाइंस में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यानी 8 मार्क्स के हैं। यदि आप देखो ज्यादा टाइम नहीं, वेरी शॉर्ट आंसर्स के एक क्वेश्चन को भी यदि आप 2 मिनट भी देते हो, 2 से 3 मिनट एवरेज लगा ले हम, तो कितना हो गया बेटा, 4 क्वेश्चन है, 3 मिनट के हिसाब से लगा ले तो 4 × 3 = 12 मिनट। 20 मिनट हम दे देते हैं किसको, सेक्शन ए को, क्योंकि वो तो टिक मार्क है ना, बहुत जल्दी आपके सॉल्व हो जाने वाले हैं। तो यहां से हो गया हमारा 20 × 1, ये कितना हो गया बच्चे, सॉरी बेटा सेक्शन बी जो है हमारा 2 नंबर का है, ठीक है। तो यहां से हो गया हमारा 12 मिनट ले लिया हमने,
20 × 1 20 मिनट हमने यहाँ पे ले लिए। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ बच्चों, जिससे आप बहुत आसानी से पेपर को टाइम रहते हुए सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों की सबसे बड़ी समस्या होती है, सर आता था पूरा लेकिन मेरे पास टाइम नहीं बचा। तो टाइम को मैनेज कैसे करना है, अपने हाथ में घड़ी रखनी है और ज्यादा टाइम किसी भी सेक्शन को नहीं देना। एक जो आप अपने अनुसार डिवाइड करोगे उसी हिसाब से आपको पेपर को पूरा टाइम देना है। उसके बाद आते हैं बेटा 3 मार्क्स के। 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 5। ठीक है, कितने आने वाले हैं? 5। तो 15 मार्क्स का पेपर यहां से बन गया। ठीक है, इसे कहते हैं बेटा शॉर्ट आंसर। ये थे वेरी शॉर्ट आंसर, ये शॉर्ट आंसर। वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर में अंतर क्या होता है? जो वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं सॉरी, और जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं वो थोड़े लॉन्ग लिखने होते हैं। तो देखो बच्चों, सेक्शन सी आपको समझ आ गया होगा। देखो सेक्शन बी है, ये मान के चलो हमें वर्ड लिमिट दी हुई है 40 वर्ड। कितने? 40 वर्ड। 40 वर्ड का मतलब क्या हो गया? 3 से 4 लाइन होगी, है ना? ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 3 से 4 लाइन लिख के आपको आंसर को खत्म कर देना है। यदि आप पूरा पैराग्राफ लिखते हो, सबसे बड़ी अफवाह क्या होती है हिस्ट्री में, हम आधा पेज लिखेंगे तो हमें भर के नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपको वही लिखना है, उसके उतने ही नंबर मिलेंगे जितने आप 4 लाइनों में लिखोगे और जितना आप पैराग्राफ में लिखोगे। अगर पैराग्राफ में लिखते हो तो नंबर कट भी सकते हैं, ध्यान रखना। इसलिए जो वेरी शॉर्ट आंसर है कोशिश करना वो 3 से 4 लाइन में खत्म हो जाए। ठीक है, और जो बेटा सेक्शन सी है यानी जो 5 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर है, ये लगभग आपके 60 वर्ड्स में क्लियर हो जाने चाहिए, है ना? और उसके बाद आता है बच्चे 4 क्वेश्चन आते हैं जो 5 मार्क्स के। देखो अभी तक जो हमारे चल रहे थे ये पैराग्राफ में चल रहे थे, अब जब आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन लिखोगे, जो 4 क्वेश्चन आप 5 मार्क्स के लिखने वाले हो, उन क्वेश्चन को याद रखना कि आपको पॉइंट में आंसर देना है। किसमें? पॉइंट में। देखो SST के पेपर में सबसे ज्यादा मायने रखता है बच्चे ऊपर हेडिंग, सबसे पहले हेडिंग, फिर 4-5 पॉइंट लिख दो, बहुत बढ़िया आंसर लगेगा, टीचर पूरे नंबर देंगे, है ना? तो हेडिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, क्लियर? जब तक आपके आंसर्स में हेडिंग नहीं दिख रही तब तक आपका पूरा आंसर एकदम अजीब सा लगेगा, क्योंकि हेडिंग पढ़ के टीचर को लग जाता है कि बच्चा क्या लिखना चाहता है। तो आपको हेडिंग पेपर में जरूर लिखनी है, क्लियर? और उसके बाद बच्चे आता है, ये आ गया आपका केस स्टडी। केस स्टडी पैराग्राफ में से आपको रीड आउट करना है, 3 क्वेश्चन होंगे, बहुत आसान होते हैं, है ना? तो क्लियरली यहाँ से 12 मार्क्स तो लगभग फ्री के हो जाते हैं, है ना? केस स्टडी का मतलब हो जाता है कि आपको पूरे तरीके से स्टडी करना है केस को और उसका आंसर देना है ना? तो इसका आंसर भी आप बड़े आराम से दे पाओगे। अब अगला आता है बेटा सेक्शन एफ, जो मैप का है। किस चीज का है? मैप का। जो मैप है बच्चा, मैप आपका 5 मार्क्स का आने वाले, जिसमें से 2 मार्क्स का आ गया हिस्ट्री में से और 3 मार्क्स का आ गया जियोग्राफी में से। अगर हम इसे ढंग से समझ लें, मैंने क्या बताया कि सब बुक में से 20-20 मार्क्स का आ रहा है ना, तो अगर हिस्ट्री और जियोग्राफी में से मैप आ रहा है, हिस्ट्री में से 2 नंबर का मैप आ रहा है, तो यानी 18 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, है ना? ऐसे ही जियोग्राफी में से 3 नंबर का मैप आ रहा है तो 17 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यानी मैप भी उन्हीं मार्क्स में इंक्लूडेड है, क्लियर? यहाँ तक आपको सबको समझ आया होगा और ये क्लियर होगा होगा कि आपका पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है और टोटल कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं और आपको किस तरीके से उन क्वेश्चंस को मैनेज करना है और किस तरीके से लिखना है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो पूरे तरीके 2 सब्जेक्ट्स के होंगे, पॉल साइंस और इकोनॉमिक, और चांसेस है कि आपके पेपर में ज्यादातर क्वेश्चंस देखने को भी मिले। तो देखिए अब दोस्तों, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, लेकिन उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जिसमें मैं आपको 4 क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अगर आप इन 4 क्वेश्चन पेपर्स को, यानी मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही है, उनके साथ साथ ये 4 क्वेश्चन पेपर और है, अगर आप इन्हें सॉल्व कर लेते हो सही से, तो आप कहीं ना कहीं 70-75 मार्क्स कहीं पे भी नहीं छोड़ने वाले हो। अब दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर्स को आपको ध्यान से सॉल्व करना है, और इनका भी अगर आपको आंसर्स नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में पूछना है, मैं आपको उसकी भी क्वेरी पूरी बताऊंगा और पूरे तरीके से क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर डेवलपमेंट से, जिसे हिंदी में कहते हैं बच्चा विकास। विकास चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका? तो विकास चैप्टर में से बेटा सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट रहेगा क्राइटेरिया, यानी क्वेश्चन पूछ लेगा डायरेक्ट कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या क्या क्राइटेरिया मांगते हैं, है ना? तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि कौन क्या क्राइटेरिया मांगता है, या फिर शहरी, मतलब कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन कुछ ऐसे भी घूम जाएंगे बेटा कि जो विकास है
जो डेवलपमेंट है वो किसी एक के लिए डेवलपमेंट है और दूसरे के लिए वो श्राप है, स्पष्ट कीजिए। कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको यहाँ पे कि एक डेवलपमेंट किसी के लिए तो वो डेवलपमेंट हो सकता है लेकिन दूसरे के लिए वो श्राप भी हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे बच्चा अब यहाँ से झुग्गी झोपड़ी बनी हुई थी वहां से तोड़ के हाईवे बनाए है ना, अब जो हाईवे बने बड़े बड़े जो मालिक थे उनके लिए तो वो विकास हो गया लेकिन जो झुग्गी झोपड़ी वाले थे उनके लिए वो श्राप साबित हो गया। यानी एक ही चीज किसी के लिए फायदा और दूसरे के लिए नुकसान हो सकती है। इस तरीके से आपसे इधर क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे इधर से पूछ सकता है वन मार्क में पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय है ना, साक्षरता दर क्या होता है या शिशु मृत्यु दर क्या होता है या फिर शिशु जन्म दर क्या होता है ना, ये सब रेट आपसे पूछ सकता है पेपर में। और इसमें से एक और क्वेश्चन आता है बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है बच्चा कि एक ऐसा विकास जिसमें हमें आने वाली जनरेशन को ध्यान में रख के करना है। यानी जैसे मान लो आज के टाइम पे हमने बहुत सारा पेट्रोल वेस्ट कर दिया है ना, अब आने वाली जनरेशन पे पेट्रोल नहीं बचेगा तो वो जनरेशन क्या यूज करेगी, उस जनरेशन को तो दोबारा साइकिल पे आना पड़ेगा यानी कार वगैरह बाइक वगैरह खत्म हो जाएंगी। क्लियर? तो हमें इस तरीके से डेवलपमेंट करना है कि हम डेवलपमेंट के साथ साथ अपने पर्यावरण को बचाए रखें और आने वाली पीढ़ी को वैसा ही लौटाएं जैसा हमारी पिछली पीढ़ी ने हमें दिया है। समझ गए? इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं। और एक HDI की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं बच्चा, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वन मार्क में ये क्वेश्चन आ सकता है। वैसे वन मार्क क्वेश्चन आप ज्यादातर ध्यान देना कि सपोर्टिंग मटेरियल के जितने भी हैं उन सबको आप क्लियरली पढ़ लेना, ठीक है। सपोर्टिंग मटेरियल में से ही आते हैं ज्यादातर वन मार्क क्वेश्चन, ठीक है, तो उस पर क्लियर फोकस करना। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें बेटा, लिटरेसी रेट हो गया, जाते हैं बेटा हम नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तीन सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी के, कितने? तीन इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के तीन सेक्टर है, कौन सा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तीनों सेक्टर कैसे हैं बच्चा? जो प्राइमरी है, प्राइमरी में क्या होता है, जितनी भी चीजें होती हैं हम नेचर से प्राप्त करते हैं, किससे? नेचर से। सेकेंडरी में किस में चली जाती है? वो फैक्ट्रीज में चली जाती है। टर्शियरी में किस में आ जाती है? वो सर्विसेज में आ जाती है। तो बड़ा ही आसान है, एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको समझाता हूँ। प्राइमरी हमने गन्ना लिया, कहाँ से लिया? प्रकृति से। गन्ने को हमने चीनी के फॉर्म में बदला, कहाँ बदला? फैक्ट्री में। उसके बाद जो सप्लायर्स है या दुकानदार है उनसे हमने लिया, उन्होंने हमें क्या किया? सर्विस किया। तो तीनों सेक्टर क्लियर हो गए। GDP में सबसे ज्यादा योगदान कौन सा सेक्टर देता है? तो टर्शियरी सेक्टर। कौन सा? टर्शियरी सेक्टर। तृतीयक क्षेत्र का सबसे ज्यादा GDP में योगदान देखने को मिलता है। क्लियर? अब अगला चीज बेटा हमारे इसमें से पूछ लेते हैं पेपर में कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अंतर, यानी संगठित, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में अंतर। यानी इधर से साफ साफ पता लग जाता है ऑर्गेनाइज क्षेत्र, ऑर्गेनाइज सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है बेटा? संगठित क्षेत्र वो होता है जिसका एक पूरा संगठन होता है ना, यानी जिसका ब्यौरा पूरा का पूरा सरकार के पास होता है ना। असंगठित कौन सा होता है? जिसका ब्यौरा सरकार के पास नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, हमारे स्कूल में गवर्नमेंट टीचर्स है ना, उन गवर्नमेंट टीचर्स के पूरी की पूरी जो बायोडाटा है, पूरा उनका जो नॉलेज है वो सरकार के पास है कि कौन सा टीचर किस स्कूल में पोस्टेड है ना, क्या कर रहे हैं। लेकिन वही असंगठित क्षेत्र, ऐसे मान लो एक लेबर है किसी घर पे, घर बनाने का काम कर रहे हैं किसी जगह पे, वो सरकार को नहीं पता कि वो लेबर कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं। क्लियर? इनका क्या होता है? सैलरी फिक्स होता है, इनका सैलरी फिक्स नहीं होता। इन्हें छुट्टी मिलता है तो सैलरी नहीं कटता, इन्हें छुट्टी मिलता है तो सैलरी खत्म है ना। इन्हें बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिलता है, गवर्नमेंट प्लान्स का, बट इन्हें नहीं मिलता। इतने आसान क्वेश्चंस रहने वाले हैं। पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में डिफरेंस, पब्लिक सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में डिफरेंस, बात यही रहने वाली है ना। गवर्नमेंट कौन सा हो गया? संगठित हो गया। गवर्नमेंट कौन सा हो गया? संगठित हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया। और पब्लिक कौन सा हो गया? अनऑर्गेनाइज हो गया, असंगठित हो गया है ना। तो क्लियर हो जाएगा ये भी आंसर आपको। और इसी में से क्वेश्चंस बेटा एक दो और बताता हूँ। इसमें सबसे मेन क्वेश्चन जो रहने वाला है बच्चा, वो आपका रहने वाला है मनरेगा 2005। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण
रोजगार योजना, ठीक है, 2005, ये 2005 में चलाई गई एक योजना थी जो महात्मा गांधी के नाम पे चलाई गई। इसके तहत क्या था बेटा, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 100 दिन का रोजगार सरकार उपलब्ध कराएगी। यदि सरकार उस रोजगार को उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो सरकार उन्हें क्या करेगी, बेरोजगारी भत्ता देगी। और इसकी शर्तें बच्चा ये भी थी कि ये 5 किलोमीटर के अंदर अंदर होनी चाहिए। अगर 5 किलोमीटर से वो बाहर हो रहा है तो 5 किलोमीटर से बाहर होने पर क्या होगा, सरकार उन्हें उसका किराया भी देगी वहां तक जाने का, है ना। और इसमें से 33% वर्क किसके लिए रिजर्व किया गया, फीमेल्स के लिए रिजर्व किया गया। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आने वाले बेटा मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट में से सबसे ज्यादा मेन जो रहने वाले फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फंक्शंस ऑफ आरबीआई यानी आरबीआई के कार्य, एक नंबर में कई बार पूछा जाता है आरबीआई को स्टैब्लिश कब किया गया था, है ना, तो वो भी आप ध्यान दे लेना, ठीक है। और क्वेश्चन आता है बेटा, पहली बात ध्यान रखना आरबीआई को स्टैब्लिश 1935 में किया गया था, ठीक है। और क्वेश्चन आता है कि आरबीआई के वर्क्स बताओ, उसके फंक्शंस बताओ, तो इस क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से कर लेना, है ना। और इसी में से एक और क्वेश्चन जो बड़ा बनता है बेटा, जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, वो बनता है वर्क ऑफ SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप नोटिस कर लेना, ठीक है। और एक लोन देने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, है ना, क्रेडिट के लिए कुछ शर्तें होती हैं, है ना, या तो कोई बंदा कोई चीज रखेगा, एग्रीमेंट साइन कराएगा, कई सारी शर्तें होती हैं ना, वो भी आप फोकस कर लेना, है ना। अगला क्वेश्चन आने वाला बेटा ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है, इसे हिंदी में कहते हैं वैश्वीकरण, यानी पूरे विश्व का एकीकरण, पूरे विश्व को एक कर देना, पूरे ग्लोब को, पूरी ग्लोब की जो इकोनॉमी है उसे एक कर देना। ऐसा नहीं कि ट्राइट्री को फेविक्विक से चिपका देना, ठीक है, इधर इकोनॉमी की बात है, किसकी बात है, इकोनॉमी की। तो जब पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को एक कर दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन। क्या कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन। देखो ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट को लर्न कर लेना अच्छे से, है ना। नेगेटिव और पॉजिटिव आप समझते ही हो, दोनों ही इंपैक्ट देखने को मिलते हैं ग्लोबलाइजेशन के, ठीक है। और MNC की फुल फॉर्म याद कर लेना और MNC की डेफिनेशन याद कर लेना। MNC बेसिकली क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी, इसे हिंदी में कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। जब एक कंपनी दो या दो से ज्यादा देशों में इस्टेब्लिश हो जाती है तो वो क्या बन जाती है, बहुराष्ट्रीय, यानी जो बहुत सारे राष्ट्रों में इस्टेब्लिश हो गई, है ना। MNC कंपनी, एक दो भारतीय MNC कंपनी के नाम याद कर लेना, जैसे कि रतन टाटा, है ना, पतंजलि, क्लियर। इंपैक्ट याद कर लेना किसके, ग्लोबलाइजेशन के, क्लियर। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इकोनॉमिक्स में से देखने को मिले। इन क्वेश्चंस को अगर आप सही से याद कर लो, और बेटा जो आपके MCQs क्वेश्चन है, MCQs पूरे के पूरे आपको सही से लर्न करने हैं, ठीक है, और जो वेरी शॉर्ट आंसर्स वाले क्वेश्चन हैं वो भी आपको पूरे के पूरे क्लियर याद करने हैं सही से। ये सारे क्वेश्चंस जो बड़े क्वेश्चंस हैं, इनके अलावा बड़े क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो देखो अब हम पोल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, है ना। अभी मैंने आपको इकोनॉमिक्स के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए जो आपके 3 और 5 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ किसके, पोल साइंस के। पोल साइंस में बेटा सबसे पहले दो कहानी है, सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग, है ना। सबसे पहले क्या आ जाएगा, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में दो देशों की कहानियां, एक बेल्जियम की और एक श्रीलंका की। दोनों देशों की कहानियों को अच्छे से आप याद कर लो, किस तरीके से वहां पे पावर शेयरिंग ना होने की वजह से सत्ता में घमासान युद्ध देखने को मिला, है ना। और उसके बाद सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्यों है, हमें पावर शेयरिंग की नीड क्यों है, ये क्वेश्चन हो गया, है ना। और क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल सकता है बेटा, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी जो पावर शेयरिंग है उसके मुख्य रूप क्या क्या देखने को मिलते हैं। ये 3-4 क्वेश्चन है बेटा जो इसमें से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक तो पावर शेयरिंग की नीड, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, उसके बाद श्रीलंका और बेल्जियम की पूरी कहानी। ये क्वेश्चन हैं जो
पावर शेयरिंग में से आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन क्वेश्चंस को अच्छे से फोकस करो, इन्हीं में से वन मार्क के देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन वन मार्क का मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ पे। श्रीलंका को पहले किस नाम से जानते थे? तो सिलोन नाम से। श्रीलंका आजाद कब हुआ था? 1948 में, है ना। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को इसमें से मिल जाएंगे। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स, है ना। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। ये सब क्वेश्चंस वन वन मार्क के, जो आपके इसी में अगर आप श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी पढ़ लेते हैं तो इसी में आपके आंसर्स कवर अप हो जाएंगे, है ना। तो आपको वन मार्क पढ़ने की ज़्यादा नीड नहीं होगी। क्लियर है बेटा? फेडरलिज्म, फेडरलिज्म को हिंदी में बोलते हैं संघवाद। संघवाद में से बेटा पहले तो संघवाद की विशेषताएं आ जाता है। संघवाद की विशेषताएं यानी की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, क्या आता है? की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। फिर फेडरल गवर्नमेंट यानी संघीय सरकार, संघवाद और एकात्मक सरकार यानी यूनाइटरी गवर्नमेंट में डिफरेंस भी देखने को मिल जाता है ना। यानी फेडरलिज्म और यूनाइटरी में डिफरेंस आपको इसमें देखने को मिल जाएगा और आपको सही से याद करना है। और टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है, संघवाद के प्रकार। फिर उसके बाद आपको तीनों लिस्ट पढ़नी है, ठीक है। तीन लिस्ट है ना, कौन कौन सी है? सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जो सेंट्रल लिस्ट होती है बेटा उस पर सब फैसले कौन ले सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। और जो स्टेट लिस्ट होती है उस पर फैसले कौन सा कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट, है ना। और उसके बाद आती है बच्चा कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों मिलकर फैसले ले सकते हैं, यानी उस पर हक सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है और स्टेट गवर्नमेंट को भी है। इसके कोई कोई तीन तीन, दो दो तीन तीन टॉपिक्स आप लर्न कर लेना। उसके बाद बच्चा लैंग्वेज पॉलिसी, क्या चीज? लैंग्वेज पॉलिसी यानी भाषा, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और उसके बाद बच्चा एक और आता है सेंटर और स्टेट के रिलेशन। सेंटर और स्टेट के रिलेशन का मतलब क्या है बच्चा? स्टेट और सेंटर के रिलेशन का मतलब है राज्य और केंद्र के कैसे संबंध देखने को हमें मिलते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को मिल सकते हैं, जो किस चैप्टर में से होंगे? फेडरलिज्म में से। किस में से? फेडरलिज्म, या फिर हिंदी में बोले तो संघवाद, है ना। और बेटा इसमें एक और टॉपिक देखने को मिल गया हमें, पंचायती राज। पंचायती राज बेसिकली बेटा विलेजेस में एस्टेब्लिश होता है ना, और विलेजेस में ये कब आया था? ये 1992 में आया था, है ना। और इसमें बेसिकली क्या था बेटा, इसमें सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिला था कि इधर जो संघवाद देखने को मतलब पंचायती राज देखने को मिला था, ये 1992 में हुआ था, है ना। और कौन सा? 73वां और 74वां संशोधन। जो 73वां संशोधन था बेटा ये गांव से संबंधित था, और जो 74वां संशोधन था वो शहरों से संबंधित था। यानी यहाँ पे हमें पूरे तरीके से इसे भी डिफाइन करना है, है ना। और इसके बाद बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट किया गया पावर में, है ना। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या? इधर तीन लेवल देखने को मिल जाएंगे इधर हमें, कौन कौन से? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशरी। यानी हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? इधर इक्वल पावर है। इक्वल पावर का मतलब क्या? लेजिस्लेटिव पे भी उतनी पावर है, एग्जीक्यूटिव पे भी उतनी पावर है और ज्यूडिशरी पे भी उतनी ही पावर है। और इसमें थ्री टायर सिस्टम जरूर पढ़ लेना बच्चों। थ्री टायर सिस्टम में सबसे नीचे क्या आता है? ग्राम सभा, है ना। उसके बाद क्या आता है? मंडल या तालुका, मंडल या फिर तालुका। और सबसे ऊपर क्या आता है बेटा? जिला परिषद। क्या आता है? जिला परिषद। तो ये तीन चीजें हमें देखने को मिल जाएंगी। तो थ्री टायर सिस्टम को भी क्लियरली आप इसमें पढ़ लेना। उसके बाद आया था बेटा जेंडर, रिलीजन और कास्ट। इसमें से बेसिकली क्वेश्चन आपका सोच के बेस पे बनता है ना, कि आपकी कितनी समझ है जेंडर को लेके, है ना, और कास्ट को लेके। क्लियर। तो इसके बाद आता है बेटा पॉलिटिक्स पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज में से कई सारे क्वेश्चन मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाई वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी, है ना, कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, और एक आधी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पूछ भी लेता है, है ना। और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी में क्या डिफरेंस है, ये भी देखने को मिलता है। ये सारे क्वेश्चंस इसमें से बच्चे इंपॉर्टेंट रहने वाले। और बेटा एक और क्वेश्चन जो सबसे मेन है इसमें से, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, राजनीतिक दल जो होता है, राजनीतिक दल के सामने कौन कौन सी चुनौतियां या क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। क्लियर।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसमें से। उसके बाद आता है बेटा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसके तीनों आउटकम्स अच्छे से याद कर लेना, पॉलिटिकल आउटकम्स, सोशल आउटकम्स और इकोनॉमिक आउटकम्स, ठीक है। इसमें से ये सबसे ज़्यादा मेन है। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या होता है बेटा? फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब होता है ऐसे इलेक्शन जिसमें कोई धांधलेबाजी ना हो या जिसमें कोई गड़बड़ ना हो, उसे क्या कहते हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, है ना। इधर हम पढ़ रहे हैं कि कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लीगल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लीगल गवर्नमेंट होती है, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। यानी लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार होती है, स्पष्ट कीजिए। तो आप बताओगे जी हाँ, लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार होती है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं ना, रेगुलर पब्लिक डिबेट्स होती हैं, रेगुलर टाइम डेट पे इलेक्शंस होते हैं, सबको वोटिंग का राइट मिलता है ना, हर कोई इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, क्लियर, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होती है। ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। और इसके अगर चैलेंजेस पूछ लें तो चैलेंजेस में लिख सकते हो कि इसमें वंशवाद की समस्या देखने को मिलती है, पॉलिटिकल पार्टीज में वंशवाद की समस्या देखने को मिलती है, है ना, कुछ गुंडागर्दी देखने को मिलती है, पैसे का अनचाहा प्रयोग होता है ना। और भी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि पैसे का अनचाहा प्रयोग हो गया और लुभावने वादे करते हैं हमसे नेता लोग, लेकिन वो कभी पूरे नहीं होते। ये सारे क्वेश्चन इस बुक में से भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर बच्चों आपको कोई भी आंसर, इनमें जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए इन क्वेश्चंस को पूरा देखो, अगर कोई भी आंसर समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर पूछो, मैं आपको आंसर्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अब वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, जिसमें मैं आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो दोस्तों देखो, अब मैं इस वीडियो में ही आपको एक और नॉलेज दे देता हूं, जिसमें मैं आपको इस मतलब आपके सब्जेक्ट के अनुसार यानी SST के 4 क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराने वाला हूं, जो आपके पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उन 4 क्वेश्चन पेपर्स को आप अगर सॉल्व कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके नंबर 80 आउट ऑफ 75 या 70 आने के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। तो देखो, मैंने दोस्तों आपको बोला था कि मैं आपको 4 पेपर दिखाने वाला हूं, आप सुनिए वो 4 पेपर है कौन से, यानी आपको 4 पेपर्स कहां से मिलेंगे, कैसे प्रोवाइड होंगे, है ना। तो देखिए, जो 4 पेपर्स रहने वाले हैं आपके, वो 3 तो सरकारी स्कूल में जो सपोर्ट मटेरियल मिलता है उसमें देखने को मिल जाएंगे, और एक पेपर होगा बच्चा जो CBSE का सैंपल पेपर होने वाला है। और यदि आप प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट हैं और आपके पास नहीं है वो सपोर्ट मटेरियल, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड भी करवाएंगे।